पति को न्याय दिलाने परिवार सहित अनशन पर बैठी भाजपा नेत्री। बिना नोटिस के पालिका द्वारा ठेका कर्मी लाइनमैन को हटाने पर भुखमरी की कगार पर आ चुके लाइनमैन सीढ़ी मैन ने पत्नी और बच्चों सहित नगर पालिका परिषद चरखारी के सामने चबूतरे पर अनशन पर बैठ गया। हटाए गए लाइनमैन प्रवीण मिश्रा ने बताया कि बीते 1 मार्च को पालिका प्रशासन द्वारा मुझे बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के हटा दिया गया था, जबकि वह बीते 9 साल से पालिका में सीढ़ी मैन लाइनमैन के पद पर सेवारत रहा हूं। बर्खास्त कर्मी की पत्नी भाजपा नेत्री जानवी ने बताया कि उसके पति की नौकरी जाने से और अन्य कोई आय का साधन न होने से उसका परिवार अब भुखमरी की कगार पर आ चुका है। हालत इतने खराब है कि वह अपने बच्चों आयुषी और अभिराज का स्कूल में एडमिशन पैसा न होने के कारण नहीं कराया जा सकता। भाजपा नेत्री जानवी ने कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनशन जारी रहेगा। भाजपा नेत्री जानवी ने कहा कि प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूर्ण विश्वास है, यदि उसके परिवार को न्याय नहीं मिला तो वह जल्द ही परिवार सहित मुख्यमंत्री से मिलकर गुहार लगाएंगी। सर क्या नाम है आपका? आप अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? नगर पालिका के सामने बैठे हुए हैं जो कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे निकाल दिया गया है 1 मार्च से। क्यों निकाला था? ये तो हमें भी जानकारी उन्होंने दी, ना कोई नोटिस दिया भाई, जानकारी दें। कुछ लोग कह रहे हैं गमन किया है तो वो साबित करें, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ कहते हैं कि बजट नहीं है भाई। कोई हमें भी तो लिखित मिलना चाहिए कि इस वजह से निकाला गया है। अब क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपके साथ? अब परेशानी बहुत ज़्यादा है, ना बच्चों के एडमिशन करवा पा रहे हैं ना कुछ है। अब एकमात्र यही सहारा था जो कि इन्होंने वो भी हमसे छीन लिया है, तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि जो है दोबारा हमें ले लिया जाए, जिससे कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। अब एक मीडिया के लिए चरखारी से संदीप कुमार की रिपोर्ट।